और दोस्तों देखिए कैसे दूध निकाल रहे हैं जल्दी जल्दी। ये देखिए ये है ओरिजिनल दूध। बहुत से लोग बोलते हैं कि डेयरी फार्म में नुकसान लगता है, तो डेयरी फार्म में नुकसान नहीं लगता है, देख लीजिए। और दोस्तों देख लीजिए कैसे लगता है डेयरी फार्म में नुकसान, लोग बोलते हैं तो हमारे पास नुकसान नहीं लगता है। और दोस्तों देखिए हमारा दूध इधर नपा रहा है, और ये देखिए मुर्गा लोग हमारा इसमें बैठा हुआ है दोनों। हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम, स्वागत है आप सब लोगों का गोपी अर्चना ब्लॉग में। दोस्तों हाय करो, छोटी हाय नहीं कर रही है। और दोस्तों देखिए सुबह सुबह मिल्किंग चालू कर दिए हैं, और अभी छोटी आकर के पी रही है, और ये को छोटी इधर से घूम रही है। तो अभी इसका मिल्किंग करते हैं दोस्तों सवेरे सवेरे। ऐ उधर हाय कर दो, इसको थोड़ा बांधिए। देखिए उधर पी रही है एकदम, दोनों बाजा बजा रहा है। और दोस्तों देखिए काउ मिल्किंग हो गया, और छोटकी रोने लगी, का है का है। ये देखिए है ओरिजिनल दूध। बहुत से लोग बोलते हैं कि डेयरी फार्म में नुकसान लगता है, तो डेयरी फार्म में नुकसान नहीं लगता है, देख लीजिए। और दोस्तों देख लीजिए कैसे लगता है डेयरी फार्म में नुकसान, लोग बोलते हैं तो हमारे पास नुकसान नहीं लगता है। और इसको हटाइए, अभी और मिल्किंग करना है। ए तू अपन पिया ना, ये अपन एगो पीती है और एगो में सौरी छोड़ देते हैं, तब वो आके हमार वाला पी रही है। छोटी अभी देखिए उतना दूध के बाद फिर से निकाल रहे हैं, तो खिलाने पिलाने में भी कुछ अंतर होता है दोस्तों। ए छोटी चलो अभी चलते हैं गौरी का मिल्किंग करते हैं, आज थोड़ा सा लेट हो गया है मिल्किंग करने में। और दोस्तों देखिए आ गए हैं गौरी के पास, और गौरी का भी मिल्किंग चालू कर दिए हैं। ये देखिए और इसका धार देखिए, पहले पास में थोड़ा लाके दिखाइए, देखिए इसका धार एकदम गर्गुण। और अभी दूध निकालेंगे दोस्तों, और चलेंगे बाजार, और बाजार से आएंगे तो इन लोगों के खाने पीने का व्यवस्था और तालाब घर का मरम्मत का व्यवस्था किया जाएगा। अब हम लोग उधरे रहेंगे तालाब घर में ही, क्या है छटनी है। और देख लीजिए पास में ही रहती है जब दूध निकालने आ जाते हैं तो। कहा को गाय है कि अगर कोई दूसरा आ जाए तो मारेगी, चाहे लात मारेगी, चाहे उधर भाग जाएगी, दूध नहीं निकालने देगी। लेकिन वो तो बहुत सुधवा है हमारी अतवरिया, इसमें थोड़ा सा तनी डर रहता है, लेकिन उसमें कोई डर नहीं है। तो दोस्तों इसका फाइनल मिल्किंग कर लेते हैं। और दोस्तों देखिए कैसे दूध निकाल रहे हैं जल्दी जल्दी। और दोस्तों देखिए इसका भी मिल्किंग हो गया, गौरी का भी। अब हम चलेंगे बाजार, और बाबू को भी स्कूल में छोड़ना है, चलिए। और दोस्तों देखिए हमारा दूध इधर नपा रहा है, और जब तक हम खाना खा लेते हैं फटाफट, और तब चलेंगे बाजार। नाप दीजिए जल्दी। और दोस्तों देखिए दूध नपा गया है, और बाजार जाने के लिए तैयार हो गए हैं, और बाबू भी स्कूल के लिए तैयार हो गया है, और हम लोग खा रहे हैं, और खा करके अभी निकलेंगे तुरंत बाजार, और बाबू को स्कूल छोड़ना है। तो पहले खा लेते हैं फटाफट, दाल भात सब्जी है, तरकारी लौकी का। और दोस्तों देखिए दूध लेकर के तैयार हो गए हैं, और बाबू को भी बैठा लिए हैं, और चलते हैं दोस्तों हम बाजार, और बाजार से आएंगे तो कोई काम करेंगे तालाब घर का। Oh
पापा मिठाई ले रहा। अरे अरे मिठाई चाहिए दोस्तों, देखिए अर्चना को पहले ही मिठाई चाहिए। अब बाबू भी आ गया है और आज हम दूध लेके गए थे तो बाजार में ही काम मिला था इतना कि उधरे रह गए और पूरा अंधेरा हो गया है, बहुत लेट हो गया, लमसम 6:30 हो गया, अभी आए हैं। मिठाई चाहिए? हाँ। देख लीजिए और कुछ मिले चाहे ना ही, लेकिन बच्चा लोगों के मिठाई चाहिए जरूर। और डिब्बा उब्बा दूध के सब इसी में रखे हुए हैं। लो सेव दोस्तों, सेव उतार रहे थे और सब्जी, तो इसमें सेव ले लिए और ले जा लेंगे, खा लेंगे और चलते हैं दोस्तों गायों का मिल्किंग करने, क्योंकि बहुत लेट हो गया है। झोला ही उतार ले जा लोगे, ला बाबू झोला ले जाओ, ले जाओ डबल एक धर। चलते हैं दोस्तों गायों का मिल्किंग कर लेते हैं, साइकिल रख दें। और दोस्तों देखिए आज तो लेट हो ही गया है बाजार में, तो अभी आए हैं तो फटाफट पहले मिल्किंग कर लेते हैं। और देखिए इधर बाल्टी रख लिए हैं और ये देखिए छोटकी इधर पे है, ये भी बेचैन है, बोल रही थी आवाज़ सुन करके हमारा, देखिए आके पीने लगी। हाँ रसी लाओ, रखो रखो रखो, हाँ पकड़ो मोबाइल पकड़ो। और दोस्तों देखिए इसका थान धो देते हैं फ्रेश एकदम, और इधर बचा हुआ पानी फेंक दिए और फटाफट मिल्किंग करते हैं, क्योंकि लेट हो गया है। आज बाज़ार में ही काम मिल गया था तो उधरे रह गए पूरा दिन। इधर पास में लाओ अर्चना को, दोस्तों देखिए इसका मिल्किंग करते हैं जल्दी जल्दी, और इन लोगों को खिलाना भी होता है तो आज बहुत लेट हो गया है। बछिया को बांधिए बांधिए, और पीछे से दिखाओ दूर से। तो देखिए दोस्तों मिल्किंग हो गया तवरिया का, अब गौरी का मिल्किंग करेंगे। ये देखिए, और देखिए छोटकी आ गई, उधर से दिखाओ, छोटकी आके पीने लगी। और दोस्तों देखिए छोटकी आकर के पीने लगी, अब इन लोगों को खिलाएंगे अभी थोड़े देर बाद। अभी इसका मिल्किंग कर लेते हैं, उसके बाद इन लोगों को खिलाएंगे, उसके बाद से हम लोग खाना पानी अपना खाएंगे। ले चलो अर्चना, चलो ये देखिए इसका मिल्किंग कर रहे हैं यहाँ पर है। और ये देखिए मुर्गा लोग हमारा इसमें बैठा हुआ है, दोनों उठा के ले जाओ अर्चना दूध। और दोस्तों देखिए छोटकी आकर के पीने लगी, अब इन लोगों को खिलाएंगे अभी थोड़े देर बाद। अभी इसका मिल्किंग कर लेते हैं, उसके बाद इन लोगों को खिलाएंगे, उसके बाद से हम लोग खाना पानी अपना खाएंगे। और दोस्तों देखिए मिल्किंग हो गया है, उसके बाद से चलते हैं गाय लोगों को खिलाते हैं। देखिए ये यहाँ बैठ गई है और गौरी देखिए यहाँ पर बैठी हुई है, तो अभी इन लोगों को भूसा चोकर गुड़ और चना ये रात में खिलाते हैं। और शीतल को गुड़ चना नहीं देते हैं, सिर्फ चोकर भूसा देते हैं। और ये देखिए छोटकी यहाँ बैठी हुई है, तो छोटकी को भी थोड़ा भूसा अभी खिलाना चालू कर दिए हैं, खा रही है। और देखिए इन लोगों को खिला रहे हैं अब, और खाने के बाद से ये लोग अपना आराम करेगा और हम लोग भी अपना भोजन पानी करेंगे। तो चलते हैं दोस्तों, अब ये लोग खा रहा अपना, हम लोग भी खाते हैं खाना पानी। और दोस्तों देखिए गाय लोगों को मिल्किंग कर लिए हैं और खाना उन लोगों का भोजन मतलब खिला दिए, भूसा चोकर चना गुड़ जो भी खिलाना था। और ये देखिए तरकारी, गोभी का तरकारी एकदम बड़ा बड़ा अर्चना की मम्मी बनाई है, अभी बाजार से लेके आए हैं तो एकदम मसालादार, तो मुंह से पानी आ रहा है दोस्तों, और भूख खूब तगड़ा लगा हुआ है, मेहनत किए थे बाजार में। तो अब चलते हैं भोजन करते हैं दोस्तों,
और आप लोग भी शाम रात हो गया है, भोजन करिए। और ये वीडियो हम लोग यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। जय हिंद दोस्तों, जय गौ माता। और इधर गोभी का सब्जी हम खाता।